नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राजीव सर को बुलाना जरा। चलिए, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने हड़प्पा सभ्यता पर, और हड़प्पा सभ्यता पर हमने बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की, बहुत सारे हमने उसके विभिन्न प्रकार के आयामों के बारे में पढ़ा। और ये मुख्य परीक्षा के लिए इतना बेहद महत्वपूर्ण, ये पूरी सीरीज चल रही है आपको, तो जितने भी लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उस उच्च लेवल का आपका ये कहना चाहिए एक सामान्य अध्ययन है, या जिसे हम कहते हैं जनरल स्टडीज़ कह सकते हैं किसी तौर पर। चलिए, तो अगर हम इसमें चर्चा करें, इसकी क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि MPPSC मेंस प्लस प्री की जो क्लासेस के लिए चर्चा करेंगे हम, तो मेंस की कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपका 4999 का है, वैलिडिटी 1 ईयर है, फैसिलिटी क्या है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नो टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीज़ें ठीक है। इसमें आधा हाफ ऑफ कर दीजिए कि एक साथ OBS भी दिखे, एक तरफ जो है कमेंट्स दिखे, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसका सिलेबस जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, अपने पहले पेपर के सिलेबस जो चर्चा कर रहे हैं, वो पेपर क्या है, पेपर 1 इतिहास एवं संस्कृति, हिस्ट्री एंड कल्चर की बात कर रहे हैं इसमें। दूसरा भाग 1 है इसका, इतिहास एवं संस्कृति भाग 1 है और इकाई 1 है। उस इकाई में क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास। उस इकाई का क्या नाम दोस्त, प्राचीन भारत का इतिहास। और उस प्राचीन भारत के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, भारत का राजनीतिक, अर्थात किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था थी, भारत की आर्थिक, अर्थात भारत में उद्योग धंधे आर्थिक स्थिति कैसी थी, भारत की सामाजिक, भारत में समाज किस प्रकार से था, भारत की सांस्कृतिक, अर्थात किस प्रकार का शिल्प, किस प्रकार से उस समाज में रहने वाले लोग कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करते थे, और अपने जीवन में किस प्रकार से 30 त्योहारों का प्रयोग करते थे। इतिहास कहां से कहां तक, हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक हमें पढ़ना है, ये दिमाग में रखिए। हाँ, ये क्लास रेगुलर है, बस इसकी आप लोग पेड ले सकते हैं। इसे पेड से आपको फायदा है कि पेड क्लास का सबसे बड़ा फायदा आप लोगों के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए है, इसका जो PDF है और टेस्ट है, बाकी सारी चीजें और स्पेशल चीज आपको मिल जाती हैं। ये तो एक YouTube पे मैंने ये सोचिए कि मध्य प्रदेश के छात्र हैं, तो इतना आप लोगों ने प्यार दिखाया, तो मैंने भी सोचा कि एक सीरीज कंटिन्यू रखी जाए, तो ये आप सबके लिए कंटिन्यू सीरीज है, लेकिन ये थोड़ा स्लो हो रही है, लेकिन पेड क्लास में थोड़ा और आपका फास्ट बढ़ेगा। ये तो क्लास होती है, और भी क्लासेस में चलते रहेगी, ठीक है, ये कंटिन्यूस रहेगी यूट्यूब पर आपकी कंप्लीट स्टडीज के लिए आपको पेड लेना ही पड़ेगा। तो ये तो एक ये है कि नहीं कहते कि आखिरकार चौहान सर क्लास देते कैसे हैं, चौहान सर का मटेरियल कैसे है, तो वो चेक करने के लिए है। तो ये पर डे रहेगा भी आप लोगों के लिए, एक मेरे तरफ से गिफ्ट समझिए, उस प्रकार की चीजें रहेगी। नंबर है इसको कर लीजिएगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कर रहे हैं। आपको पता, हड़प्पा सभ्यता कुछ इस प्रकार से ये चीजें मिली हैं, और इस प्रकार से आज वर्तमान में हम इन सब चीजों का अवलोकन कर रहे हैं, और आज जिस प्रकार से यहाँ पर उत्खनन हो रहा है, खनन हो रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता की साइट है जिनको हमें करना है। आज हमारा है समीक्षा करते हैं, मैंने कल आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया इसके बारे में, आज हमारी इसकी समीक्षा होगी, ठीक है। चलिए, हाँ सर, MPSI की क्लास के लिए एडवांटेज, ये हर परीक्षा के लिए एडवांटेज है। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता, लूसेंट और बाकी किताब में छोटे सी 2 लाइन में पढ़ते हैं ना, तो ये 2 लाइन नहीं है, ये बहुत विस्तृत अध्ययन है। हमने जितने भी मत अभी तक आपको पढ़ाए, उनका विश्लेषण करने के बाद हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में देशी उत्पत्ति के सिद्धांत को हम अधिक तार्किक प्रतीत मानते हैं। पुरातात्विक खोजों से स्पष्ट हो गया है कि हड़प्पा सभ्यता में बलूचिस्तान स्थित जो मेहरगढ़ है, सिंध में स्थित है आमरी और कोटदीजी है, हरियाणा में वनावली है और राखीगढ़ी है, राजस्थान में सोथी और कालीबंगा है, और गुजरात में धौलावीरा आदि प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो देसी सभ्यता में बात आई थी, जो हमने बात की थी, देसी मत का सिद्धांत बात की थी, उसको हम मान सकते हैं। जो नए छात्र हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि कृपया मेरी पुरानी क्लासेस को देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप विस्तृत तरीके से एक कंटिन्यू अध्ययन इसके बारे में कर सके। तो हमने देखा कि हम मान सकते हैं, समीक्षा हम कह सकते हैं कि विश्लेषण से पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में हम देसी सिद्धांत को ज्यादा मानते हैं। क्यों मानते हैं, उसके पीछे कुछ और विशेष कारण क्या है। देखो, हम सभी को पता है, आपको भी पता है कि नदियां संस्कृति के लिए क्या होती हैं, नदियों के पालना है,
अगर मैं आपको पहले ही क्लास में मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी, प्यारी सी परिभाषा दी थी कि नदियां विश्व की समस्त संस्कृतियों का या संस्कृतियों का पालना कहलाती हैं, अर्थात विश्व की जितनी भी संस्कृतियां, वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, चाहे वो भारत के सिंध की सभ्यता हो, ये सभी सभ्यताएँ किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं, किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई हैं। और आज भी देखिए, बड़े से बड़ा शहर किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा है। आप चलिए प्रयागराज जिसे इलाहाबाद कहते हैं, वहां जाइए, वो किस नदी किनारे बसा है। दिल्ली बताइए किस नदी किनारे बसा है। आप जितने भी प्रदेश, आप इंदौर, मध्य प्रदेश इंदौर बताइए खान नदी किनारे बसा है। जबलपुर बताइए किस नदी किनारे बसता है। तो जो सभ्यताएं हैं, बड़े बड़े नगर हैं, वो नदियों के किनारे ही बसते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए एक चीज है, देखो बेटा मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं आप, बाकी सब चीजें मत पूछिए इस क्लास में। आप हर क्लास में बाकी चीजें पूछते रहते हैं, मैं अलग से आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लाइव भी आता हूं बाकी डिस्कशन के लिए, तो उसका इंतजार किया करिए। जब क्वालिटी की क्लास चल रही हो ना, तो बस क्वालिटी से पढ़ लेना चाहिए, बाकी यूट्यूब पे बहुत कुछ प्रपंच होता है कि नहीं। चलिए, तो संस्कृतियां नदी घाटी के किनारे स्थित थी, अतः यहां कृषि का निरंतर विकास हुआ ऐसा माना जाता है। और सभ्यता के विकास के साथ साथ निवासियों ने क्या किया, ताबे का उपयोग, बाकी चीजों का उपयोग करना सीखा, ठीक है, और इन सब चीजों का प्रयोग करना बहुत अच्छे से इन्होंने सीखा होगा। और जब हम जानते हैं कि हम तावे का प्रयोग किए होंगे, हम आगे चल करके और उपकरणों का प्रयोग किए होंगे, कासे का प्रयोग किए होंगे, क्यों किए होंगे, इससे हमें पता चलता है कि अपनी खेती के लिए, और खेती के साथ साथ जब हम उन्नत हुए, जब हम व्यापार करने लगे, तो अपने पश्चिम के देशों के साथ, पश्चिम की संस्कृतियों के साथ हमारा क्या मिला हुआ थी, हमारा जुड़ा हुआ, हम आपस में मिलने लगे। तो संस्कृतियां नदी घाटे किनारे स्थित थी और यहां कृषि का निरंतर विकास हुआ, और सभ्यता के विकास के साथ साथ निवासियों ने क्या किया, प्रस्तर और तांबे के उपकरण जो बनाए, कांसे के उपकरण जो बनाए, इसका प्रयोग भी कृषि के क्षेत्र में प्रारंभ कर दिया होगा। और इससे कृषि सरप्लस अधिशेष का मतलब क्या होता है, जब कोई किसान अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, अच्छी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, तो उसके यहां पैदावार क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो जरूरत थी उसका प्रयोग कर गए, जो जरूरत से ज्यादा थी उसको हमने स्टोर कर लिया। और स्टोर करते हैं कब है, जब हमारे पास क्या हो, अधिशेष हो, और अधिशेष कब होगा, जब हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो, अच्छी हो। तो टेक्नोलॉजी जिनका संपर्क पश्चिमी एशिया के लोगों के साथ रहा होगा, अतः व्यापार किए होंगे, कई प्रकार के खाना अधिदेश जो जातियों के द्वारा कृषि अधिदेश का बाह्य व्यापार किया गया होगा, और इसका लाभ, आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ होगा। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी सभ्यता है, वो सभ्यता कौन सी है, वह सभ्यता देसी सिद्धांत को हम ज्यादा मानते हैं, जो मैंने कल आपको बताया था। यहां तक हो गया क्या जी? बिल्कुल। आइए, पतन कैसे हुआ, इतनी बड़ी सभ्यता, 700 सालों तक चलने वाली सभ्यता, इतनी बेहतर, इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा? आपको बता दूं मैं आपको, इस संसार में हर चीज का पतन होता है। अगर किसी चीज का उत्कर्ष होता है तो हर चीज का पतन होता है, ठीक है। अगर किसी चीज का उत्कर्ष होता है तो पतन भी होता है, ठीक है, आना जाओ बेटा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर किसी चीज का क्या होता है, उत्कर्ष होता है, तो उस चीज का क्या होता है, पतन भी होता है। अगर कोई चीज बनी है तो कोई चीज क्या होगी, एक दिन नष्ट भी होगी। इसी प्रकार से इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी बड़ी संस्कृति, जो 700 से 800 सालों तक चलने वाली, 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और सुमेरियन जिसे अब सभ्यता कहते हैं, उस समय की अन्य सभ्यताओं, सोथी सभ्यता, ताम्रकालीन सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं से बेहतर विकसित सभ्यता थी, तब भी इसका नष्ट क्यों हुआ, इसका पतन क्यों हुआ, यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है। पतन क्यों हुआ, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हड़प्पा सभ्यता, मैं आप वही बता दी आपको, ये 1750 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता के नगरी स्वरूप का पतन हो गया। और हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे उत्तरदायी कारणों को लेकर इतिहासकारों में आज विवाद है। कुछ लोगों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा ना जाना और पुरातात्विक साक्ष्यों तथा क्षैतिज उत्खनन की अपर्याप्तता की वजह से, हम ये नहीं कह सकते, एकदम वाजिब कारण नहीं बता सकते कि सभ्यता क्यों नष्ट हुई होगी। फिर भी कुछ लोगों ने कहा हो सकता है सिंधु की नदियों में और सिंधु नदी के आसपास की जिसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गई हो, पहला मत हो सकता है, दूसरा मत हो सकता है सूखा आ गया हो, तीसरा मत हो सकता है
प्राकृतिक कोई आपदा आ गई हो, ठीक है। विभिन्न प्रकार के मतों को लाया गया है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में इतिहासकारों ने कई कारण बताए हैं जिसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया सबके? हाँ, ये क्लास यहां YouTube पे चल रही है, इसका पेड कोर्स भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप लोग अगर चाहते हैं इस कोर्स के साथ ऐड होना तो ऐड हो जाओ। जो मेंस की क्लास में ऐड होता है छात्र, उसको सबसे बड़ा फायदा है, पर डे वो प्रैक्टिस करके मुझे अपनी कॉपी भेजता है, मैं पर डे उसकी कॉपी चेक कर उसका रिप्लाई करता हूँ और हर क्वेश्चन में बताने का प्रयास करता हूँ कहाँ पर गलती है, कितना लिखना है, कितना कम करना है। ये सबसे बड़ा फायदा है। इसका पूरा स्टडी मटेरियल जो आप देख रहे हैं सब उसको मिलता है, तो आराम से पढ़ाई हो सकती है। नमस्कार जी, कोड दीजिए क्या? अच्छा, कोड दीजिए एक जगह है बेटा, कोड दीजिए क्या है बेटा? एक जगह है, मैंने आपको बताया था कोड दीजिए क्या है, एक जगह है जो कि हमारे हड़प्पा कालीन सप्ताह में नजर आता, ठीक है। ये मैं आपको सबको चीजों को समझाया मैंने और ये चीजों को आपको जानना है। चलें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सर, कंप्लीट होने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं, तो 4 महीने तो लगेंगे। हाँ देखो भाई, आपका कम से कम 4 महीने तो आपको भी करना पड़ेगा इंतजार, 4 से 5 महीने लगेंगे कोर्स को कंप्लीट होने में। इसका मतलब जो मेंस होगा आपका दिसंबर में, तब तक आपको कोर्स में पूरा अच्छे से इसी प्रकार समझा करके कि मैं इसको कर दूंगा, ठीक है, चीजों को समझ, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम चर्चा करें इस पूरे के पूरे विषय पर चर्चा करते हैं तो देखते हैं दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं आकस्मिक पतन का सिद्धांत, एक है क्रमिक पतन का सिद्धांत। दो सिद्धांतों की चर्चा हम इस पर पूरी तरह से अच्छे से करेंगे। एक है आकस्मिक पतन का सिद्धांत, दूसरा क्रमिक पतन का सिद्धांत। इस पूरे के पूरे सभ्यता को खत्म होने के लिए कई इतिहासकारों में विभिन्न प्रकार के मत था, बाकी चीजें थी, ठीक है। तो इस पे अगर हम समझेंगे, दो सिद्धांत आते हैं, आकस्मिक पतन का सिद्धांत और एक है हमारा क्रमिक पतन का सिद्धांत। इन दोनों पतनों के सिद्धांतों की चर्चा हम इस प्रकार से करते हैं और ये रहा हमारा पहला आकस्मिक पतन का सिद्धांत। जहां पर भी ना समझ में आए प्लीज मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताने के लिए यहां पर तत्पर हूं, आपको बताने के लिए यहां पर हाजिर हूं, ठीक है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? पूछो भैया। हाँ जी तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या आकस्मिक पतन का सिद्धांत। आकस्मिक पतन का सिद्धांत का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता के आकस्मिक पतन का सिद्धांत में कुछ चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं अचानक आर्य लोग आए, आक्रमण किया और इस सभ्यता को नष्ट कर दी। कुछ लोगों ने कहा जिस प्रकार से हम हर साल देखते हैं कई नदियां बारिश की वजह से अपना मार्ग को बदल लेती हैं, और जब मार्ग को बदल देती हैं तो क्या होता है, कई बार पूरे के पूरे सभ्यता में पानी भर गया होगा, तीसरा सूखा पड़ गया होगा, चौथा या कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई होगी, इसमें कहते हैं जल प्लावन कहते हैं, या कोई विवर्तनिकी विक्षोभ आ गया होगा जिसकी वजह से इस सभ्यता का नष्ट हो गया। अगर कभी भी आपके मुख्य परीक्षा में 5 नंबर को देता है, इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है कि आकस्मिक पतन का सिद्धांत हड़प्पा सभ्यता के पतन का सिद्धांत है, जिसके तहत कहा गया है पहला या कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा जिसकी वजह से सभ्यता का समाप्त हुआ, दूसरा नदी या नदी का मार्ग में परिवर्तन हुआ होगा, या सूखा पड़ गया होगा, या बहुत बड़ा जल प्लावन या बाढ़ आ गई होगी, या किसी पर्वतीय विक्षोभ या कहें किसी विवर्तनिकी विक्षोभ की वजह से कोई बड़ा सा बदलाव आ गया होगा। बात समझाए? इसलिए सभ्यता का इतनी बड़ी ग्रेट सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। अगले आइए, आर्य आक्रमण, ये क्या है, इसको कौन कौन लोग कहते हैं? गार्डन चाइल्ड है इस मत को सपोर्ट में, कोई ना कोई तो होगा जो मत को सपोर्ट करता हो, कुछ ना कुछ तो ऐसे इतिहासकार होंगे जो मत को सपोर्ट करते हैं। एक है गार्डन चाइल्ड है, मार्टिमर व्हीलर है, ये दो ऐसे इतिहासकार हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए आर्य आक्रमण को उत्तरदायी मानते हैं, और इस संदर्भ में उन्होंने मार्टिमर व्हीलर का कथन भी है, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर इंद्र दोषी ठहरता है। यहां इंद्र का प्रतीकात्मक अर्थ है आर्यों की सेना, आपको पता होना चाहिए। इंद्र को हमने वेदों में क्या कहा है, पुरंदर की उपाधि दी है, किसकी दी है, पुरंदर की उपाधि दी है, और पुरंदर कौन होता है, जो दुर्गों को तोड़ने वाला, दुर्गों को तोड़ने वाला। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्यों का मुख्य देवता कौन था, इंद्र था, और आप पूरे वेद पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा सूक्त किसके लिए है,
इंद्र के लिए हैं, और इंद्र को ही वेदों में क्या कहा गया, पुरंदर कहा गया है। अर्थात इंद्र का दूसरा भी नाम होता है सेना। किसकी सेना? आर्यों की सेना। और ये वह सेना थी जो अश्व में चलती थी, जिसको लोहे का ज्ञान था, और ये दुर्गों को तोड़ने में माहिर थे। अर्थात इस पर चीजें, तो ये पूरा हमारे लिए कम से बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, और अगर आप इतना करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो आप अगर इसको और अच्छे से करेंगे तो और कैसे कर सकते हैं हम, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, ये जैसे इतिहास कारण हप्पा सभ्यता के पतन हेतु आर्य आक्रमण को तदाई माना, और इस संदर्भ में मार्टिमर व्हीलर ने भी कहा है परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर इंद्र दोषी ठहरता है, और इंद्र को दोषी क्यों ठहराया जाता है अब आप समझ गए होंगे। आप क्लियर होगा, आगे बढ़े, कोई दिक्कत पक्का। दूसरा मत है हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हो गया होगा। इस मत के समर्थन में विद्वानों ने अपने मत के पक्ष में कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे कहे हैं कि कुछ तो साक्ष्य होंगे जिसके आधार पर आप कहें कि आर्यों ने आक्रमण किया है। तो पहला देखिए, मोहनजोदड़ो से 42 नर कंकाल, जिसमें से 37 भारतीय हैं और 5 पाकिस्तानी संग्रहालय में मिले हैं, जिन पर धारदार अस्त्रों का घाव है। अब आपको पता है कि सैंधव सभ्यता के लोग अस्त्र ज्यादा रखते नहीं थे, तो धारदार अस्त्रों का वार होगा तो किसने किया होगा? आर्यों ने किया होगा। हड़प्पा स्थित कब्रिस्तान एच से ऐसा नर कंकाल प्राप्त हुआ है जो परवर्ती हड़प्पा काल से संबंधित, उसे आक्रमणकारी का काल माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या बोला है? पुरंदर, दुर्गों को नष्ट करने वाला कहा गया, और इनके दुर्ग थे, दुर्गों को नष्ट करने वाला होगा, ठीक है। तो ये चीजें, ऋग्वेद में इंद्र को वृत्तासुर हंता कहा गया है। अब समझिए, वृत्तासुर हंता, इंद्र को वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर हंता का मतलब होता है क्या? हत्या कर जल को मुक्त कराने वाला। यहां इंद्र को बांधों को नष्ट करके जल को मुक्त कराने का श्रेय दिया जाता है। आपको पता है कि वाकई में इन लोगों ने क्या किया था? बांधों का निर्माण किया था। किसने निर्माण किया था बांधों का? किसने किया था? सिंधु सभ्यता के लोगों ने। तो इन्होंने, हम कई बार जल का देवता भी किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसके पीछे रीजन है कि इन्होंने इसको मुक्त किया था। ऋग्वेद में हिरण्यकशिपु शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान हड़प्पा के रूप में की गई है। इसे इंद्र द्वारा नष्ट माना गया है। आप ऋग्वेद पढ़िए तो ऋग्वेद में देखेंगे, ऋग्वेद में लिखा है क्या? हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु को मतलब क्या है? बेसिक तौर पर इसका नाम है क्या? हड़प्पा। और उसमें लिखा है कि इंद्र ने इसको क्या किया? समाप्त करके आर्यों को स्थिति बनाई। तो हम मान सकते हैं पहला हमारा टॉपिक बिल्कुल सही है। कुछ लोग बोले ऐसा नहीं है। जॉन मॉर्सल है, एसआर राव है, और अर्नेस्ट मैके। तो जॉन मॉर्सल ने मोहनजोदड़ो को, एसआर राव ने लोथल को, और अर्नेस्ट मैके ने जो है चुंधड़ो को, सिर्फ 12 के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। इन तीनों अलग जगह पर 12 साक्ष्य प्राप्त किए, और इन्होंने इस चीज को प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि नदियां जिनकी गोद में हड़प्पा सभ्यता पनपी थी, उनमें आई बाढ़ ही सभ्यता के विनाश का कारण साबित हुई। यहां तक कि जॉन मार्शल ने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कहा कि मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा, पुनः बसा, फिर उजड़ा। क्या कहा? कि मोहनजोदड़ो एक बार नहीं, 7 बार। तो बहुत नदियों का मार्ग परिवर्तन अगला है हमारा, इस पे अगर हम चर्चा करें, ठीक है, इसकी हम चर्चा करें नदियों का मार्ग परिवर्तन, ठीक है सर। इस पे जो है सर, कौन कौन से टीचर पढ़ाएं? देखो मेंस के लिए एक भी दूसरा भी टीचर नहीं होगा ना, तो भी तुम्हारा मेंस का एक एक टॉपिक मैं क्लियर कराऊंगा। पर मेरे पास 2 टीचर 3 टीचर एक्स्ट्रा रहते हैं, ऐसा नहीं है। पर आप लोगों को पढ़ने मजा किस चीज का आता है? आप खुद सोचो, मेरा जो मेन सब्जेक्ट क्या है? आपको लग रहा होगा मैं हिस्ट्री पढ़ाऊं तो बहुत मजेदार है। मेरा मेन सब्जेक्ट है पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। पर मैं आपको अगर हिस्ट्री इतनी दमदार पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं, मैं मानता ही नहीं कि सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। फिर हम विद्यार्थी नहीं थे, इसका मतलब अगर मैं आपके लिए मेंस के सब्जेक्ट ना पढ़ा सकूं तो फिर इसका मतलब मैंने अपनी पढ़ाई क्या की है? फर्जी तरीके से की। अगर मैं मेंस के आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा तब ना कहलाऊंगा कि हाँ मैं भी एक विद्यार्थी था, मैंने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से की है और आज आपको उसे पूछ सकते हैं और आज मैं आपको पढ़ाने का योग्य हूं। चलिए नोट्स कैसे बनाए? नोट्स जो बने हुए हैं बस इसी को बनाते रहिए, इससे बेहतर नोट्स बनाने का तरीका कुछ भी नहीं है। बस इसी में थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं? आउटलाइन डाल सकते हैं, थोड़ा सा डायग्राम डाल सकते हैं। अभी एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि डायग्राम करके आंसर को कैसे लिखते हैं। चलिए
सर 2022 का प्री मेंस का बैच आज से शुरू। हाँ बिल्कुल, इस 2020 नहीं, बैच तो स्टार्ट हुआ है, दो दिन हो गए ना, ये दो है तीसरी क्लास है, सारी क्लास आपको मिल जाएंगी प्री मेंस के लिए, आप बिल्कुल नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला हमारा दिया नदियों का मार्ग परिवर्तन का, एक है माधव स्वरूप वत्स है और एक व्यक्ति है जिनका नाम है लंबरिक, एक है डेल्स। इन्होंने कहा कि रावी और घग्गर नदी के मार्ग में बदलने से, तो जब रावी नदी बदली तो हड़प्पा और घग्गर बदली तो को कालीबंगा। पूछो क्यों? क्योंकि घग्गर नदी किनारे क्या है पता हूं चाहिए, कालीबंगा, और रावी किनारे क्या है, हड़प्पा। तो जब इन्होंने अपने मार्ग को बदला तो मार्ग की बदलने की वजह से इन दोनों ही शहरों का क्या हो गया, नगरों का, पूरा इतिहासकारों के अनुसार क्या हो गया, विनाश हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं सतलज एवं यमुना घग्गर नदी की सहायक नदियां थी, किंतु आगे चल करके दोनों क्रमशः सिंधु गंगा की बाढ़ में शामिल हो गई, तो घग्गर नदी सूख गई और नदियों के मार्ग परिवर्तन आने से जितनी भी हमारी ये नगरी समृद्ध सभ्यता थी क्या हो गई, नष्ट हो गई। आज भी आपको पता है कि जब केदारनाथ में 2013 में बाढ़ आई थी तो क्या हाल हुआ था, पूरी की पूरी जो वहां पर जो बस्तियां थी, बस्ती की बस्ती डूब गई थी। लेकिन आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना साइंस एंड प्रौद्योगिकी, हमने दोबारा शहर को बसा दिया, लेकिन उस समय इतना साइंस टेक्नोलॉजी थी हम दोबारा बसा सके, ये मान सकते हैं? नहीं, इंग्लिश लेक्चर अवेलेबल नहीं, सिर्फ हिंदी लेक्चर अवेलेबल, मेरे दोस्त प्लीज माफ करिएगा आप। ठीक है चलिए तो ये बताइए, तीनों चीज बात समझ गई, बाढ़ समझ गए बेटे, बाढ़ समझ में आ गया, बाढ़ का नदियों का परिवर्तन समझ में आ गया आपका, भाई नदी परिवर्तन करेगी मार्ग को। आप देखें कोसी नदी को हम क्या कहते हैं, बंगाल का शोक क्यों कहते हैं, वो अक्सर अपना मार्ग क्या करती है, भयंकर बदलती है। चलिए चलिए आइए, कोसी को कहते हैं बिहार का श्लोक, अब बंगाल को कहते हैं किसका, बंगाल को कहते हैं क्या, दामोदर, कौन बताएगा, बिहार का शोक कोसी है, हुगली नदी सुना, हुगली एक जगह भी थी बड़ी हुगली, ठीक आगे पढ़ाएंगे अभी चल के, ठीक है आइए आइए। तो जल प्लावन आखिरी कार हमारा बाढ़ वाला, एम आर साहनी और एक व्यक्ति है उनके सहयोगी जिनका नाम है राइक्स, मतलब अलग अलग लोगों ने इसके बारे में डिस्कवरी किया और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में जल प्लावन या विवर्तनी की विक्षोभ कारण माना। इनके अनुसार विवर्तनी के हलचल के कारण, विवर्तनी हलचल का मतलब क्या होता है, भूकंप आना, ज्वालामुखी आना या किसी प्रकार का भूस्खलन हो जाना, इसे कहते हैं हम विवर्तनिकी। क्या कहते हैं, विवर्तनिकी। आपने सुना होगा टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी में, तो इसने माना कि देखो सिंधु नदी बांध नष्ट हो गए, जल का खास स्थान आकर के रुक गया, अर्थव्यवस्था बुरी से बर्बाद हो गई, तो किसी न किसी वजह से, क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा वासी पानी का संग्रह करते थे, बड़े बड़े जलाशय बना के रखे थे, और किसी कारणवश क्या हुआ होगा, वहां पर भूकंप आया होगा, वहां पर क्या हुआ होगा, कोई हलचल मची होगी जिसकी वजह से बांध टूट गए होंगे और पूरा पानी अचानक कहां भर गया होगा, पूरा भर गया, अब विनाश हो गया। चले आगे बढ़े, दूसरा है क्रमिक पतन का सिद्धांत, देख लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा बंगाल का श्लोक किसे कहते हैं, दामोदर कहते हैं, हुगली है, दामोदर है, कोसी है, बहुत सारी नदियां हैं जिनके बारे में शोक कहा जाता है, बस इतना पढ़िए उसको शोक क्यों कहते हैं, बस इतना। मैं ये समझाने का मतलब, मेरे मतलब है कि अगर कोसी नदी में बाढ़ क्यों आती है, मार्ग बदलती है, दामोदर क्या करती है, मार्ग बदलती है, और नदियां मार्ग क्यों बदलती हैं, गाद बहुत बड़ी चीज। चले आगे बढ़े, करें क्रमिक पतन का सिद्धांत, पहला क्या था मैंने आकस्मिक का सिद्धांत, अगला है क्रमिक पतन का सिद्धांत। ठीक है, इतिहासकारों का एक वर्ग हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक पतन नहीं बल्कि क्या मानता है, क्रमिक पतन मानता है, और सच्चाई बात है ये। ठीक है बैठ जाओ, ठीक है, क्या मानता है वो, क्या मानता है इस चीज को, कि अचानक नहीं हुआ है, क्रमिक हुआ है। अब मुझे ये ज्यादा लगता है, आपको कितनों को लगता है, आपको लगता है कि सभ्यता आकस्मिक खत्म हो जाएगी या क्रमिक खत्म होती है, आप अगर ज्ञानवान है तो आप खुद बता सकते हैं कि कैसे हो सकती है। ठीक है सर, पेमेंट कैसे ज्वाइन करें इसके बारे में, ठीक है इस पर चर्चा करते हो, ठीक है चलिए बताइए, यहां पर अगर हम इसकी चर्चा करें, अच्छे से चर्चा करें, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि जितने भी
जितने भी सिद्धांत अभी तक दिए गए हैं, चाहे वो आकस्मिकता सिद्धांत हो चाहे किसी का भी सिद्धांत हो, सबसे बेहतर सिद्धांत माना जाता है क्या? क्रमिक सिद्धांत। क्योंकि किसी भी चीज का निर्माण भी क्या होता है? क्रमिक। तो विनाश भी क्या होता है? क्रमिक। चलिए उसी की बात करते हैं। इतिहासकारों के एक वर्ग हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक पतन नहीं मानता बल्कि क्रमिक पतन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। इसमें फेयर सर्विस ने पारिस्थितिकी अस्वतंत्र हड़प्पा सभ्यता कांड माना है। इसमें सबसे बड़ा व्यक्ति है फेयर सर्विस, जिसने कहा है परिस्थिति में धीरे धीरे क्या हुआ? असंतुलन फैला, और परिस्थिति में असंतुलन की वजह से यह सभ्यता खुद को क्या नहीं कर पाई? परिस्थिति साफ से नहीं कर पाई। यहां तक कहा कि हड़प्पा सभ्यता के निरंतर नगरीकरण के कारण पतन बहुत हो जाएगा। आज भी देखिए आप, हम जानते हैं कि जब हम नगरीकरण की वजह से क्या कर रहे हैं, आज प्रकृति के सब कुछ दोहन कर रहे हैं। आज हम कोयला दोहन कर रहे हैं, पेट्रोलियम दोहन कर रहे हैं। एक स्टडी लिखी थी, आपने पाया था, आज से 20 साल पहले जर्नल में छपी थी, उसमें लिखा था कि आने वाले 50 से 70 साल के बाद पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, कोयला धीरे धीरे नहीं मिलेगा। इसलिए आज भारत ने क्या करना शुरू किया है? हाइड्रोजन एनर्जी की ओर काम करना शुरू किया है, सौर एनर्जी की ओर चर्चा किया है, वायु ऊर्जा की ओर चर्चा किया। तो ये अन्य तमाम इतने सारे ऊर्जा के स्रोत हैं जिनके बारे में फिर से चर्चा शुरू हो गई है। आज बैटरी के बारे में चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है? तो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे ही संसाधनों का दोहन इन लोगों ने बहुत ज्यादा किया, जिसकी वजह से असंतुलन हुआ। वर्षा, तापमान, इस समय परिवर्तन के कारण बड़े से बड़े जनसंख्या धीरे क्या प्रभावित हुई, और आगे चल के धीरे क्या हुआ? इस नगरी सभ्यता का पतन हो गया, और फिर से हम कहां आ गए? ग्रामीण सभ्यता में आ गए। आप आज खुद देखिए, अमेरिका इतना डेवलप हो चुका है कि वो गांव की ओर लौट चला है। अब कोदो कुटकी की रोटी को हम क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं। आज हम कोदो कुटकू की रोटी को क्या मानते हैं? बहुत पौष्टिक मानते हैं। और आज से 20 साल पहले कोदो कुटकी खाने वाले को हम कहते थे कि ये जनजाति लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। मोटा खाना खाने वालों को, मोटा भोजन करने वालों को हम क्या कहते थे? ये लोग क्या हैं? गरीब लोग हैं। और आज मोटा अनाज, डॉक्टर भी लिख रहा कि मोटा अनाज खाइए आप लोग। बताइए। हां जी गौरव पुरोहित, ये 2022 प्री मेंस का न्यू सेशन है, नया सेशन है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। तो ये न्यू सेशन है, इसमें आप बिल्कुल परेशान होने की बात मत करिए इसमें, ठीक है? चलिए बेटा, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए तो यहां पर देखिए, क्रमिक पतन के सिद्धांत में इतिहासकारों के एक बड़ मैंने आपको बता दिया नहीं मानता इसको। यहां तक समझ आ गया आपके? आपको कौन सा अच्छा लगता है? सर ऐप पर अलग से क्लास होगी? हाँ, अलग से क्लास लग चुकी है एसआई वगैरह सबकी। आप लोग क्या माने? आप तो क्रमिक सिद्धांत आपको अच्छा लगा या आकस्मिक सिद्धांत आपको अच्छा लगा? क्रमिक। तो बिल्कुल समीक्षा लिख दीजिए कि ज्यादातर वैज्ञानिक, ज्यादातर इतिहासकार क्रमिक सिद्धांत को महत्व मानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का पतन क्रमिक रूप से उत्थान भी होता है और क्रमिक रूप से पतन भी होता है। चलिए आगे बढ़े। आइए, हड़प्पा सभ्यता की उपयोगिता, महत्व देन। हड़प्पा सभ्यता ने कि हमारे लिए क्या उपयोगिता है, क्या हमें दिया है और क्या इसका महत्व हो सकता है? सबसे पहला, भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। पढ़ता होगा, पढ़े होंगे आप लोग, सब लोग पढ़े होंगे, भारतीय सभ्यता की प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता है। कहां से मिली? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता में ही सांस्कृतिक समरूपता के साथ साथ क्षेत्रीय विशिष्टता के दर्शन होते हैं। आप देखेंगे कि समाज में क्या था? सांस्कृतिक समरूपता थी, ऊंचा नीचा कोई नहीं था, अमीर गरीब जरूर था, छुआछूत नहीं था, पाखंड नहीं था, ये चीजें हैं। क्षेत्रीय विषमताएं थी, विशेषताएं थी। मोहनजोदड़ो आपने देख रहा अलग था, धौला बीरक विशेषता अलग थी, चंद्रोड़ो की अलग थी, कोटदीजी की अलग थी, मेहरगढ़ की अलग थी, आपने देखा हड़प्पा की अलग थी। तो इसका मतलब है क्षेत्रीय विशिष्टताएं थी। मोहनजोदड़ो किसी अपने खास विशेषताओं के लिए था, तो धौला बीरक किसी खास विशेषताओं के लिए था। बात समझ में आई? चलिए दूसरा, भारत में तकनीकी और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है? हड़प्पा से वही मानी जाती है। अर्थात आज भारत में जिस हम औद्योगिक क्रांति की चर्चा कर रहे हैं, वो आज से नहीं बल्कि आज से 4000 साल पहले आ चुकी थी। ठीक है, अगला है अव्यवस्थित नगर।
आज हम देखते हैं, आज भी हमारे गांव शहर बहुत सारे कैसे हैं, उजड़े से हैं, अव्यवस्थित फैले हैं, एक घर यहां एक घर वहां कुछ है। लेकिन हमें मिलता है पहली बार कि व्यवस्थित नगरीकरण, सड़कों नलियों का निर्माण, उत्तम व्यवस्था, अन्नागार, पक्की ईंट, मापतौल, चांदी का प्रयोग, कांसे का प्रयोग, मनके का प्रयोग, बांधों का निर्माण, कपास की खेती, कितनी सारी व्यवस्थित सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है, कितना मजेदार है। बताइए बताए, आगे बढ़ सकते हैं। ये तीन चीजें हमें क्या है मिली, और भी कुछ चीजें हैं सामाजिक जीवन में। चतुर्वर्ण व्यवस्था के बीज कहां से मिलते हैं हमें, हड़प्पा से ही पता चलते हैं। अर्थात विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक वर्ग को ही आगे चल के हमने विद्वान को क्या बना दिया, ब्राह्मण, योद्धा को क्या बना दिया, क्षत्रिय, व्यापारी को क्या बना दिया, वैश्य, और श्रमिक को क्या बना दिया, शूद्र वर्ग का पूर्वज माना जाता। आर्थिक जीवन में कृषि का, पशुपालन का, उद्योग धंधे का, वाणिज्य व्यापार का, सबका संगठित रूप देखिए इन्हीं लोगों ने किया था। मेसोपोटामिया से इनका व्यापार था, इनका व्यापार मिस्र के साथ था, इनका व्यापार दक्षिण भारत में सुदूर लोगों से था, मतलब कितना बड़ा व्यापार करते, मतलब अंतरदेशी भी व्यापार था और फिर देशी व्यापार भी वगैरह था। विदेशी राष्ट्रों से मजबूत इनके व्यापारिक संबंध थे। इसकी परंपरा कहां से शुरू हुई, परंपरा हड़प्पा से शुरू हो जाती है, और आज भी भारत का विदेशी व्यापार, भारत का विदेशी संबंध किसी अन्य देश की अपेक्षा सबसे बढ़िया है। हर देश भारत के लोगों पर विश्वास करता है। इसके अलावा भारत में लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ, हड़प्पा से शुरू हुआ। आपको पता है कि आज जिस लिपि का हम प्रयोग कर रहे हैं, यह लिपि और समृद्ध हुआ करती थी, और इस समृद्ध लिपि का प्रयोग कहां से शुरू हुआ, हड़प्पा काल सभ्यता से शुरू हुआ। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहां से हुआ, याद करिए मैंने आपको बताया था, ये भी हड़प्पा से हुआ, ये हमारी उपयोगिता है। धार्मिक जीवन की बात करें तो मातृ देवी की उपासना, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की पूजा, भूत प्रेत, पुनर्जन्म की अवधारणा हड़प्पा से ही शुरू होती है। और आज भी देखिए, आज भी हम मातृ देवी की पूजा करते हैं, देवी मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, काली मैया, दुर्गा मैया, मेरी मैया, तेरी मैया, हम पूजा करते हैं। कुछ लोकल मैया भी होती हैं, मरही मैया, ये मैया, जो लोकल देवी देवता होते हैं ना अपने गांव के, दीवाल के, घर के, इनकी पूजा करते हैं। ये कहां से शुरू हुआ, आज भी हम मानते हैं भूत प्रेत, आज भी हम मानते हैं पुनर्जन्म, तो धर्म आज भी बात है। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही स्वच्छता के बारे में बताया, स्वास्थ्य के बारे में बताया। आपको याद है हड्डियों की सुई मिली थी तो पता चलता है शिल्प कितना था। शिक्षा, पर्यावरण का महत्व मिलता है, जिनका महत्व वर्तमान सभ्यता में भी हम देख सकते हैं। बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत है कि नहीं, ठीक है, बताइए जल्दी से, यहां तक समझ में आया आप लोगों के, अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं, मजा आ रहा है, ठीक है, क्लियर। ये सब कुछ देन है किसकी, हमारी हड़प्पा सभ्यता के। तो निष्कर्ष क्या निकल सकता है, क्या निकल सकता है, हमारा जो टॉपिक था, तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र, जो सभी विशेषताएं जो वर्तमान में विद्वान हैं, ये सभी कहां से ली हमने, सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में मौजूद थी, और ये सभी किसी न किसी रूप में वहां पर उपस्थित थी। तो हम देख सकते हैं कि सभी सभ्यताओं में ये सभ्यता सबसे बढ़िया, और यही तो आपके एग्जाम में पूछा है। आपके एग्जाम में सिलेबस क्या है, भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक डेवलपमेंट पढ़ना है, कहाँ से, हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक। तो हड़प्पा का हमने सब निपटा ही दिया, मजा आया आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों के। तो पीटी के लिए कुछ क्वेश्चन देख लें, सॉरी मेंस के लिए कुछ क्वेश्चन देख लें, तीन नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है अमलानंद घोष, इनके बारे में आपको बताना है क्या है अमलानंद घोष। दूसरा है लोथल, तीसरा है राखीगढ़ी, तीन नंबर का है, मतलब आपको मुश्किल से दो लाइन में इसका आंसर कंप्लीट करना है, लेकिन दो लाइन इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि मजा आ जाए। जैसे अगर आप लोथल को बताएंगे तो लोथल को बताएंगे हड़प्पा कालीन, समय बता दीजिए, किस शहर के किनारे है, किसने डिस्कस किया था, कौन सी नदी किनारे, बस मजेदार फुल नंबर आपके। तीन राखीगढ़ी, हाँ एक तीन नंबर का है, आपको दस नंबर, दस मतलब शब्दों में लिखना है, पांच नंबर में लिखिएगा, लिख के दिखाना है आपको। अगला हमारा हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की विशेषताएं लिखी है, कितनी अच्छे से मैंने समझाया था, पांच नंबर में बताना जल निकास प्रणाली कैसी थी, पांच पॉइंट में बता दोगे आप लोग। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के मनोरंजन के साधनों को उल्लेख कीजिए, हमने कितनी सभ्यता की,
मछली पकड़ना हमने बताया, खेल खिलौने वाली बात बताया, खेल खेलते थे, गेम खेलते थे। एक जगह याद है मैंने बताया था, एक खेल का मैदान भी इनको मिला है, एक एक जो कह सकते हैं स्टेडियम जैसी चीज मिली है, ठीक है। और एक 11 नंबर का है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरा स्थलों का वर्णन कीजिए। एक 11 नंबर मिला, जितने पुराने स्थल हड़प्पा सभ्यता के, राखीगढ़ी की बात करते हैं, कोदजी की बात करते हैं, लोथल की बात करते हैं, धौलावीरा की बात करते हैं, सुदकाडोर की बात करते हैं, मेहरगढ़ की बात करते हैं, तो ये जितने भी जगह हैं इन सभी के बारे में, आलमगीर की बात करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा समझाना है। 8-10 प्लेस लिख दीजिएगा, 11 नंबर में 7 से 8 नंबर, 9 नंबर आपको मिलेगा। ठीक, इस बार पूछा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा किसका, मुख का। अब आते हैं पीटी का प्रश्न, चलिए शुरू करें। ये रहा आपका पहला प्रश्न आज का, शुरू करते हैं। देखिए, ऐसी क्लास हमारी, ये मेरे क्लास का, मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि कक्षा के बाद मेंस के क्वेश्चन, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा क्वेश्चन। चलिए, अरे शॉर्ट्स, नमस्कार भाई, खुश रहें। क्या साथ में ज्योग्राफी भी चलाएंगे या अभी सिर्फ हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट कराया जाएगा? गौरव पुरोहित, अभी साथ में हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट कराया जाएगा। पेपर वन का पार्ट ए पहले पूरा कराया जाएगा। पेपर वन पार्ट ए में क्या है बेटा, पहले प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, और क्या है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, ये यूनिट 1, 2, 3। यूनिट 3, 4 में है क्या, मध्य प्रदेश के इतिहास की बात की जाती है हल्की, और 5 में है मध्य प्रदेश के प्रमुख वंश, जैसे बुंदेला वंश, बघेलखंड वाला बघेल वंश बात करते हैं, सिंधिया वंश की बात करते हैं, बात करते हैं हम अगर इंदौर में, हम अगर चर्चा करें होलकर वंश की बात करते हैं। याद रखिए, साफ तौर पर 5 से 7, और ऐसे ही भोपाल रियासत का पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। भोपाल रियासत में 2 लोग हैं, एक हैं भोपाल के नवाब, और भोपाल में एक बहुत बड़ा एक युग शुरू होता है भोपाल की बेगमों का। भोपाल की बेगमों ने क्या काम किए भोपाल के लिए, वो भी आपका सिलेबस है। अच्छा, आपका सिलेबस पूरा मेरे दिमाग में छपा हुआ है, इसलिए बिल्कुल मैं सोच भी नहीं रहा, बिल्कुल पूरा मुंह से निकल रहा है, ठीक है। तो सब कराया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बताइए। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सामान्यता पुरातत्विक सहमत है, किस तिथि को लेकर सहमत है, आपको इसके बारे में आपको बताना है। कौन बताएगा मुझे, बस ये बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या है। सारे लोग आंसर करेंगे, थोड़ा बेटा पानी पिलाना, पानी पी लें। आहा, चलिए करिए। देखें क्या करेक्ट आंसर। अच्छा, और किसी का, बाकी ऑनलाइन वाले बहुत सारे आंसर करिए। चलिए देखिए, इसका करेक्ट आंसर, सॉरी कहां निकला है, क्या हमारा बी, बहुत सही लोगों ने लगाया। क्या है बेटा, 2600 से 1900 के मध्य, इस पर लगभग सभी सहमत हैं, इस पर सभी मानते हैं कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में यह सभ्यता रही होगी। कैसे, इसकी चर्चा आगे करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण पुरातत्वविदों द्वारा लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें कमसा आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए इसकी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसको समझेंगे। क्या जहां आज हड़प्पा है, क्या कोई संस्कृति नहीं रही होगी? बिल्कुल थी, तो हम उसको नहीं जानते, तो इसे क्या कह देते हैं, हड़प्पा के पूर्व की सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा खत्म हुई होगी तो हड़प्पा के
बाद की सभ्यता है परवर्ती सभ्यता या उत्तर हड़प्पा। बात समझ में आई? तो हड़प्पा के पहले भी और हड़प्पा के बाद में भी सभ्यताएं थी, इसलिए हम उन्हें आरंभिक या पर्वतीय सभ्यता। क्या कुछ पूछना है? पूछो। अच्छा, ये समझ नहीं आया क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पहले मेरे बाप हैं, मेरे पिताजी, अब मेरे पिताजी के पहले उनके पिताजी, ठीक। मेरे पहले मेरे पिताजी हैं, मैं तो नहीं हूं ना, और मेरे बाद मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा बेटा होगा, बेटी होगी, कुछ बल्ले पड़ा। ऐसे ही जब हड़प्पा नहीं थी तो हड़प्पा सभ्यता के पहले कोई सभ्यता रही होगी, तो उसका नाम हमने क्या दे दिया? अब मान लो मेरे पिताजी का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसको बताना है कि दिनेश सिंह चौहान सर के पहले उनके पिता, तो क्या रहेगा? दिनेश सर के पिता। मेरे पिता का नाम नहीं पता होगा तो क्या बोलेंगे? दिनेश सर के पिताजी। तो हड़प्पा के पूर्व हड़प्पा। अब मेरे बेटे का बेटी का नाम नहीं पता किसी को, तो क्या करेंगे? दिनेश सर के बच्चे। तो इस सभ्यता का हमें नहीं पता चला, इस सभ्यता का हमें नहीं पता चला, तो हमने उसको क्या कह दिया? पूर्व सभ्यता और पर्वतीय सभ्यता। इससे बेहतरीन बढ़िया एग्जाम्पल मुझे लगता है जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। बैठ गया दिमाग में? तो आइए, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? एक क्षेत्र जिसका प्रयोग किया चोलिस्तान, आपको बताना क्या है? थोड़ा जल्दी करिएगा ना। चलिए, आपने लगा लिया, टिक लगा लिया, इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या के बाद समझते हैं। हड़प्पा संस्कृत में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया गया था। इसकी गिनती आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति में की जाती है और इसे 239 बस्तियां यहां से प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई है? 239। तो क्या ऑप्शन है? थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, अर्थात हम इसको कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा? थार रेगिस्तान से लगा। आपको पता है मेरे MCQ में आपको क्या पता चल रहा है? मेरे MCQ आप पढ़ाई भी कर रहे हो, सिर्फ MCQ नहीं, बहुत भारी डिटेल पढ़ा हुआ है इसमें। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर पालते थे। अच्छे से कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। बताइए जरा, चलिए एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। इसमें हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं मिला है, क्या क्या मिला है इस स्थल में? हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला है? हमें गेहूं मिला है, हमें जौ मिला है, हमें दाल मिली है, हमें सफेद चना मिला है, हमें तिल मिले हैं। बाजरे के दाने कहां से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। तो कथन एक हमारा क्या है? सही है। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त जानवरों की हड्डियों, मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी विज्ञानी हैं अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि ये सभी जानवर क्या थे? पालतू थे। अतः कथन क्या है? सही है। उल्लेखनीय है कि जंगली प्रजाति के जानवर जैसे हिरण, वराह तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं, परंतु अभी तक यह नहीं पता चला कि हड़प्पा निवासी इनका शिकार करते थे या अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की भी हड्डियां यहां पर मिली हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये चीजें, एक ही साथ रखे जिसको आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। मैं किनारे हो जाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही क्या है? सही है। बताइए, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में बात करना है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। तो बस आप मुझे बता दीजिए कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करें।
बताइए, प्रश्न को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में मोहरों पर वृषभ का रेखांकन और प्राप्त मृत मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। क्या समझ में आ रहा है? दूसरा, लोथल से मिली मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है। तीसरा, मृतत्वों को कालीबंगा से जुड़े खेत के साक्ष्य मिले। क्या इसमें हो सकता है? आरती, पहले से कोर्स नहीं, जो पहले से कोर्स ले रखा सो कोर्स क्यों लोगे एसआई का? भाई जब एसआई कोर्स ले रखे तो अलग से क्यों लोगे बेटा? और नया पढ़ने का मन हो तो पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि 1000-2000 रुपये बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़े, क्या है? चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले, हड़प्पा मोहरों तथा मृत मूर्तियों से पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा वासी वृषभ से परिचित थे, पुरातत्वविद भी यह मानते हैं कि जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो मिट्टी के बने हल है ना, मैं आपको बताया था कहाँ से मिले हैं, वनावली से मिले हैं, चोलिस्तान के क्षेत्रों से प्राप्त था। कथन दो हमारा गलत हो गया। पुरातत्वविदों को कालीबंगा जो राजस्थान में है से जुड़े खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो हड़प्पा के आरंभिक स्तर से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जो दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें भी उगाई जाती थी। अतः यह हमारा कृषि प्रौद्योगिकी का है। बार बार एक चीज़ का बहुत अच्छे ध्यान रखना, इन शब्दों का, जगहों का बहुत अच्छे दिमाग रखना। जो हल मिला है वो लोथल नहीं बल्कि कहाँ मिला है? चोलिस्तान कालीन। चलिए अगला हमारा है गणेश्वरा, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की सूचक है? ये बड़ी अच्छी चीज है, ये परीक्षा मुझे लगता है इस बार पूछने की संभावना बन रही है इसकी। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पा स्थल है? जल्दी कीजिए। देखिए, अगर हम चर्चा करें, जोधपुर से समझ आ गया होगा आपका क्या है, राजस्थान की बात है। हड़प्पा वासी कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, तांबे के लिए खेतड़ी और सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क करते थे। इन स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों के सूचक हैं। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या बोला है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत कह दिया। और इस संस्कृत के मध्यभाग हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे, तो अतः विकल्प हमारा क्या है? सही हुआ खेतड़ी। क्या याद रहा? खेतड़ी। और खेतड़ी वो जगह थी जहां से लोग क्या प्राप्त करते थे? तांबे का प्रयोग, तांबे का प्राप्त करते। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचिए, विचारिए, फिर करिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सर एमपीएसआई का बैच? बिल्कुल एमपीएसआई का बैच है बेटा, सारे बैच आज से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। और देखो, मेरा तो साफ साफ तौर पर एक खुला आमंत्रण रहता है, आप बढ़िया डेमो क्लास लीजिए, ठोक बजा करके क्लास देखिए, पहले क्लास देखिए, मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, उन क्लासेस को देखिए। डेमो लेने के बाद जब आपको दिल से लगता है कि यार ये कंटेंट गजब का है और ये मास्टर बहुत गजब का है, आपको मोटिवेशन भी दे रहा है और आपको पढ़ा भी रहा है और आपको एक नंबर का कंटेंट दे रहा है, तभी आप एडमिशन लीजिए। ये तो हम सीधे, क्योंकि खुला मार्केट है। ठीक है, तो बैच अवेलेबल है बिल्कुल, कहें चौहान एकेडमी एप्लीकेशन पर, शुभम जाइए एप्लीकेशन पर करिए। और सबसे अच्छी बात है, एप्लीकेशन पर जुड़े हुए छात्र सामान्यतः मेरे से प्रत्यक्ष तौर पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कभी भी कोई तम समस्या आ सकती है तो मैं बैठा ही बैठा हूँ। अच्छी बात है ना, टीचर भी मैं हूँ, तुम्हारे लिए आंदोलनकारी मैं हूँ, सबसे अच्छी बात जब सरकार कुछ तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो एडवोकेट भी मैं ही, एक जगह सारे समाधान, एक चौहान। ठीक है,
चलें आगे बढ़े। इसकी अगर हम उष्ठाग देखते हैं, नागेश्वर तथा बालाकोट, तोर्तघई, लोथल, दक्षिणी राजस्थान। अब इसमें आप करना क्या है, आप ये देखिए कि पहले से दूसरे का मिलान करने का प्रयास करिए। ये कच्चा माल है। सेल खड़ी, आपको पता है सेल खड़ी के पत्थरों का प्रयोग क्या होता था, कार्निलियन का प्रयोग किया जाता था सिल्क में, संघ का प्रयोग किया जाता था, लाजवर्थ का प्रयोग किया था। अब आपको ये समझना कि आता कहां से कहां से था। अब एक चीज थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखिए ए का तीन मिल रहा है, नागेश्वर बालाकोट क्या संख मिल रहा है और ये लगातार एक दो तीन बता रहा है इसमें, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब देखिए चलिए इसकी एक बार चर्चा हम कर देते हैं, व्याख्या कर देता हूं। हड़प्पा कालीन शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल विभिन्न स्थानों से प्राप्त करते थे। नागेश्वर बालाकोट से क्या आता था, शंख आता था। अफगानिस्तान में है सोर्तघई, और सोर्तघई से आता था क्या, अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के लाजवर्द पत्थर आते थे। लोथल जो कहां गुजरात में है, भड़ौच से कार्निलियन तथा दक्षिण राजस्थान और उत्तर राजगुजरात से सेलखड़ी की प्राप्ति होती थी। अर्थात अगर हम करें तो क्या है हमारा, कौन सा सही है, ऐसा ही है। नागेश्वर से क्या मिल रहा है हमें, यही है शंख मिल रहा है। हमें सोर्तघई जो कहां अफगानिस्तान में क्या मिल रहा है, लाजवर्द मिल रहा है। हमें लोथल से हमें क्या मिल रहा है, कार्नियल मिल रहा है। और हमें दक्षिण राजस्थान से हमें क्या मिलता है, सेल खड़ी के, ठीक है, मजेदार है। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों को पढ़ेंगे आप लोग। देखिए इस प्रश्न को पढ़ेंगे फिर मजा आएगा आप लोगों के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा भाग अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पढ़े हैं आप लोग, अच्छा वेरी गुड, जो पढ़े हैं तो सब समझते हैं। इसमें भवन निर्माण का एक कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया जो नियोजन का बेहतरीन उदाहरण है, और तीसरा विशाल स्नानागार। तो उपर्युक्त विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता से किस स्थल से संबंधित है, सुतकांडोर, राखीगढ़ी, लोथल, मोहनजोदड़ो, बताना उस स्थल का नाम बताना है। आजकल ऐसा प्रश्न आ रहा है एग्जाम में, ट्रेंड हो चुका है ऐसे प्रश्न का। बस एक चीज से समझ सकते हो इसका सही आंसर, एक चीज आपको इसका सही आंसर दिखा सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत सही, सारे बच्चों अच्छा किया आंसर। देखिए इसका सही उत्तर की ओर हम चलें, अगर हम हमें क्या पाते हैं, विशाल स्नानागार कहाँ थे थोड़ा चले पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो मोहनजोदड़ो में बस्ती जो थी दो भागों में विभाजित थी, एक था ऊंचा भाग लेकिन छोटा होता था, प्रशासन और राजा लोग रहते थे, दूसरा था नीचे बड़ा भाग, इसमें क्रमशः दुर्ग और निचले शहर का नाम दिया गया था। इसमें एक बार एक पहले चबूतरे को पहले बनाया जाता था, उसके बाद शहर के भवनों का निर्माण किया जाता, एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित किया गया था। भवन निर्माण में भट्टी में पकाई गई एक निश्चित अनुपात की ईंटों का प्रयोग होता था। कैसे ही भवन ईंटों का प्रयोग होता था, आपको मैंने बताया था 4:2:1 का प्रयोग होता था। इसके अलावा चर्चा करें मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए जिसका विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। तो आप बताइए आपको क्या उत्तर लग रहा है, क्या लग रहा है, मोहन, मजा आया, चलिए अभी और मजा आएगा। देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों को उदाहरण प्रस्तुत करता है, और हड़प्पाई भवनों की मुख्य विशेषता यह थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। इसका बताना आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है, अगर आप लोग सही कर लिए तो मैं मान लूंगा, आप अगर एक लाइन पकड़ लोगे इसका उत्तर सही कर लोगे, हर एक छात्र सही उत्तर कर लेगा। चलिए बताइए, जल्दी बताएं, बहुत प्यारा प्रश्न है, और इस प्रश्न को जब बनाया गया था तो बनाते समय मुझे, मैंने मुश्किल भी मारी थी टाइपिस्ट को कि देखना से बहुत सारे लोग गलती करेंगे, उस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे, और आपके सामने है उत्तर पर आप उसे पकड़ नहीं पा रहे, पकड़िए। चलिए Thank you.
जल्दी करेंगे प्लीज, और मेरी पुरानी क्लासेस को देख लीजिए, समय निकाल करके उसको रिवीजन कर लीजिए। चौथी क्लास है हमारी, उसको रिवीजन कर लीजिए फास्ट, 1.2 1.5 पर रख करके रिवीजन कर लीजिए। बहुत शानदार क्लास है आपके लिए, बहुत मजेदार क्लास रहेंगे आप सबके लिए। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। अब देखो, अवलोकन करो आप, ठीक है, देखो तीसरे पर जाओ। क्या आप अपने घर में ऐसा घर बनाते हैं कि बाहर वाले दरवाजे से अंदर तक का दिख जाए? बनाते हैं ऐसे कमरे? नहीं ना। आप सबसे पहले बाहर दरवाजा ऐसा बनाते हैं कि आपकी पर्ची दिखती है बाहर की, बस। और जो अंदर के कमरे होते हैं थोड़ा सा साइड में हट करके अंदर जाता है, आप पूरा अवलोकन नहीं कर सकते। तो वही गलत था, बाकी सही थे। हड़प्पाई शहरों में सड़कों तथा गलियों के बीच ग्रिड पैटर्न पर बनाया गया था। गली भी और सड़क भी एक दूसरे समकोण पर काटती थी, पहला सही। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासी भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें कई एक आंगन केंद्रित भवन थे, मतलब भवन में क्या था, आंगन था, जिनके चारों ओर कमरे बने होते थे। हड़प्पावासी एकांतता को बहुत महत्व देते थे, प्राइवेसी किसको देते थे, प्राइवेसी को महत्व देते थे। उनकी भवन निर्माण की पद्धति से भी परिलक्षित होता है कि यहाँ भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं मिलती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन तक का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता था। यही यहां पर क्या था, गलत था। और अगर आप इसमें तीसरे को कट कर देते, ये भी कट था, ये भी कट था, हमारा करेक्ट आंसर क्या था, एक और दो था। मजा आया? और बहुत मजा आया, कहा बताएं, इतना मजा आया कि कहा बताएं। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। और अब इसमें बताना असत्य, क्या बताना है, असत्य बताना है, क्या बताना है, इसमें असत्य की चर्चा करनी है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। चलिए पहला ऑप्शन देखिए। सवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गत में दफनाया जाता था। हड़प्पा स्थलों से मिले सवाधान सामाजिक भिन्नताओं की ओर भी संकेत करते हैं। सवाधानों के साथ विभिन्न आभूषणों की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन पर विश्वास करते थे। हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा असत्य कौन सा है। सर नालियां ग्रिड पद्धति पर थी, बिल्कुल, नालियां और सड़क दोनों ग्रिड पद्धति पर थी, सभी जो है समकोण पर काटती थी। और याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है अगर अच्छे से, तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे और साथ ही साथ में आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहेगी। चलिए चलिए इसका हम एक बार क्या करते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं। हड़प्पा सवाधानों में आभूषण तथा अन्य प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को दफनाने के संकेत मिलते हैं, परंतु समकालीन मिस्र की सभ्यता के सापेक्ष हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जब किसी को दफनाते थे तो बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाना इनका पेशा नहीं था। और आपको मैंने बताया था कि ये लोग जो थे ये इतना ज्यादा चीजों को नहीं मानते थे। इसे हड़प्पा वासी अगर लिखा कि मृतकों के साथ अधिकाधिक, ये जो चीज है बहुमूल्य वस्तु ठीक है, लेकिन अधिकाधिक ये गलत हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, और यही हमारा इसका उत्तर है। और आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है, उसी के साथ हमारा समय भी समाप्त। फ्यांस क्या है, फुआंस फ्यांस, ठीक है। गत मीन्स उसको गड़ाने को बोलते हैं, गड़ाने को गत्ते में। फ्यांस का संबंध किससे है, मूर्ति निर्माण कला से है, बालू तथा रंग चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण से है, सवाधान की तकनीक से है, मनकों को तरासने के विशेषण से है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछने योग्य है, अच्छा प्रश्न। वैसे जितने प्रश्न मैंने बनाए सारे परीक्षा प्रश्न पूछने के योग्य है, बहुत धांसू प्रश्न है, धांसू एक नंबर के प्रश्न है सारे। और जितनी क्लास मैंने प्रश्न बताए हैं आप देखना, प्रारंभिक परीक्षा अभी आने दीजिए, अभी मुख्य परीक्षा आने दीजिए दिसंबर में, तो आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न आया है। इस मेरी क्लास को याद रखना, इन सारी क्लासेस को याद रखना। मैं आपको बताऊंगा कि किस वीडियो में मेरे को मेरे पढ़ाने से क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए इसकी चर्चा करें।
देखिए बताएगा कोई क्या है करेक्ट आंसर? हाँ भैया पढ़े करेंगे बताई पढ़े कौन सा ए बी सी डी क्या है? अच्छा देखो देखो चांस है घिसी हुई रेत अथवा बालू और रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ होता है, फ्यांस बनाया जाता है उसमें घिसी रेत होती है बालू होती है और रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण कर बनाया जाता है। छोटे पात्र हड़प्पाई समाज में सामाजिक विलासिता की वस्तु मानी जाती रही होगी क्योंकि संभवतः कीमती थे और इन्हें बनाना कठिन था और जिन्हें बनाना कठिन होता है वही चीज़ें कीमती होती है। आपको पता है ना हीरा क्यों महंगा है? क्योंकि कम उपलब्ध है। हीरा क्यों महंगा है? क्योंकि कम उपलब्ध है, जबकि हमारा जीवन लोहा चलाता है और बेचारा सस्ता है। भाई हमारे घर बना हीरा प्रयोग होता लेकिन नहीं, तो वही चीजें हैं। ये जो था अगर हम इसमें देखते हैं तो इस पे देखेंगे कि घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। उल्लेखनीय कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित मिलती हैं। संभवतः सोना भी आज की ही तरह कीमती और दुर्लभ था। हड़प्पा स्थलों पर मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से मिले थे, इससे पता चलता है। सिलेबस एमपीपीएससी मेंस और पी का कोर्स के लिए आप लोग आज ही ज्वाइन करें। मोबाइल नंबर है 9752874608 और चौहान एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आज ही इस क्लास से जुड़िए ताकि आप एक बेहतर क्लास ले सकें और इस भीड़ भरी जिंदगी में आप लगातार क्लास ले रहे हैं तो आपको पता चल ही रहा है कि क्या स्टैंडर्ड है क्या चीज़ें हैं, तो ज्वाइन करें और अपनी क्लासेस को अपने प्री और मेंस को, क्योंकि आज से ही आपको मेंस बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है सर, मेरा फिर से रह गया इस बार 5 क्वेश्चन से रह गया, करिए। राकेश यादव आप मेरी एसआई की वीडियो देखिए, एसआई की वीडियो में आपको ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एज क्राइटेरिया 18 से 33 साल जनरल के लिए। चौहान एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ऑफिशियल को और इसको जो है आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। सारे कोर्स आपको चाहे एसआई का हो चाहे पीएससी का हो सारे कोर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे और इन कोर्सेज को लेकर के आप अपनी तैयारी घर बैठे शुरू कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप जो नंबर मैंने आपको बताया, देखो नंबर चल रहे हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन फीस कितनी है सर? काहे की ऑफलाइन फीस? आप एक बार काम करिएगा, ऑफलाइन फीस के लिए चर्चा कर लीजिए ना। किसकी ऑफलाइन फीस? एसआई की, कांस्टेबल की, पीएससी की, किसकी फीस है? देखो दो ही बैच पढ़ाता है हम लोग, मॉर्निंग में व्यापम बैच चलता है और इवनिंग में पीएससी बैच चलता है, सिर्फ दो बैच फिलहाल तौर पर तो अभी ऐसा है हमारे पास। ठीक है सर, बहुत सारे यूट्यूबर्स एमपीएसआई की एज 21 से 28 बता रहे हैं। वो सारे यूट्यूबर्स बेचारे नए नए हैं इसलिए उन्हें नहीं पता इन्फॉर्मेशन, उनकी गलती नहीं है। यूट्यूबर्स, हर यूट्यूबर्स को भरोसा करना मुश्किल होता है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए ऑथेंटिक सोर्स जानने का प्रयास किया करिए। चौहान एकेडमी चूंकि इसलिए आपके लिए ऑथेंटिक है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के पीछे, उसकी वजह है मेरा खुद का एक व्यक्तित्व है, मैं एक एडवोकेट हूँ, एडवोकेट साथ एक शिक्षक हूँ और उसके अलावा मैं खुद मध्य प्रदेश विभाग में रह चुका हूँ सरकारी भाग में, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे सुन लो। 18 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम 33 साल है जनरल बॉय के लिए, जनरल गर्ल्स के लिए 18 से 38 साल है, एससी एसटी ओबीसी बॉय के लिए 38 साल है, महिला के लिए 38 साल है। प्लीज़ समझने का प्रयास करें, बाकी और क्या बताता है उस पर थोड़ा ध्यान कम दें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पीएससी के लिए मेंस की क्लास प्री और मेंस की अगर इंक्लूड करेंगे तो समथिंग 35,000 से 40,000 आपका लगेगा, सिर्फ प्री का करेंगे तो समथिंग जो है 10,000 से 15,000 रुपये आपका होगा, बिट टेस्ट सीरीज के साथ होगा। इंदौर वगैरह हम जाते हैं तो आपको पता है 1-1.5 लाख 1.5 लाख रुपये लगता है और इंदौर में आप भीड़ में पता भी नहीं चलता आप कहाँ जाते हैं, और यहाँ पर तो बहुत कम बच्चों को साथ बैठा के पढ़ाता, एकदम एक एक बच्चे कॉपी चेक करता हूँ, मेरे सामने आप कॉपी आपकी चेक होगी, बाकी सब चीज़ चलेगी। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, थैंक यू सो मच। सर ये एसआई के लिए ज्वाइन, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप, किसी भी एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।
आप अगर जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, शानदार पढ़ना चाहते हैं, बहुत प्रवाह के तौर पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार अंकिता, ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टेक केयर।